सर आज आप लोग बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी के निर्देश पर इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश के सभी जिलों में संपन्न हो रहे हैं। आज के दिन हम अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन संघर्ष है, जो विचारधारा है, उसको हमें समझना चाहिए और उस विचारधारा पर काम करना चाहिए। आज पार्टी का विचार गोष्ठी भी है, विचार गोष्ठी का उद्देश्य क्या है? विचार गोष्ठी का भी यही उद्देश्य है कि जो लोग बुलाए गए हैं उन्हें बाबा साहब के जीवन संघर्ष की जानकारी मिले, और बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज के लोग आपस में भाईचारा बना के अपनी पार्टी बना के इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लें, तो इसके लिए बाबा साहब के जो विचार थे, जो संघर्ष था, उसको ऐसे विचार गोष्ठी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, जिससे ये आगे बाबा साहब की विचारधारा को पूरा करने के लिए भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी के माध्यम से काम कर सके। अभी अभी कुछ लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी का दमन थामे, उस पर क्या? देखिए, हमारी विचारधारा सही है। हम प्रत्येक नागरिक को इस देश के अंदर शिक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, न्याय मिले, विकास मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भारत के संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, तो भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से और उनकी नीतियों से खुश होकर तमाम पार्टियों के लोग इसी प्रकार से रोजाना हमारे कार्यक्रमों में हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज प्रयागराज के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को छोड़कर, बीएसपी को छोड़कर, बहुत से पदाधिकारियों ने आज सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के खासकर लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं सर कि आपने बसपा में रहकर एमएलसी बने और पत्तल में छेद कर दिया, आप चले गए। बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने विधायक बनाकर दिए थे, जब विधायक बने थे तब हम एमएलसी बने थे। आज एमएलसी वहाँ कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ विधायक नहीं जीत रहे हैं। तो जब हमने विधायक जिता कर दिए थे तब हम एमएलसी बने थे। हमने पहले दिया, उसके बाद हमने लिया। अभी अभी आपने कहा कि बीएसपी और कांग्रेस मिली जुली है, किस बेस पे कह रहे हैं? नहीं, हमने ऐसे नहीं कहा है। अभी अपने बयान में कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमने ऐसे नहीं कहा है। चलिए सर, पार्टी को लेकर बीएसपी कांग्रेस कहाँ मिली जुली? भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिली जुली है। भाजपा और बीएसपी आपस में मिले हुए हैं, ये पूरा देश देख रहा है। इसीलिए उस पार्टी के लोग ज्यादा आंदोलन नहीं करते हैं। सर, अभी वीडियो भी मेरा रिकॉर्ड हो रहा था, आपने कहा कि उन्होंने समझौता किया दो सीटों से कांग्रेस से। कांग्रेस से आरपीआई ने समझौता किया था, आप गलत बोल रहे हैं, आप देख लेना अपना। अच्छा सर, आपके सवाल ये है कि आजाद समाज पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहिए? आजाद समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिलाने के लिए। बाबा साहब कहकर गए थे कि सारी समस्याओं का जो ताला है वो राजनीतिक सत्ता से खुलता है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करो, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में काम करो, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो, यही हम कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं से। क्या कारण रहा कि आप बीएसपी छोड़ के समाज पार्टी ज्वाइन किए? अब ये तो कारण माननीय बहन जी बताएंगे क्या कारण रहा, उन्होंने मुझे और मेरे जैसे हजारों लोगों को बीएसपी से निकाल दिया, आप उनसे जाके पूछिए। अभी जिस प्रकार से क्या कहते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, उसको लेकर भाई के साथ भारी मात्रा में जनाधिकार था, लेकिन वहाँ आजाद समाज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी ने वहाँ दमदारी से इलेक्शन लड़ा है, पहला चुनाव लड़ा है, हमारी पार्टी का वहाँ प्रचार हुआ है, हमारे चुनाव चिन्ह का प्रचार हुआ है, हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का प्रचार हुआ है। वहाँ हमको उम्मीद के अनुसार वोट मिले हैं, हमारे दो लोग वहाँ सेकंड स्थान पर रहे और 10 लोग हमारे दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहे। बाकी सीटों पर जो हम लड़े, हमको जितनी उम्मीद थी उतना वोट मिला है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर आपकी पार्टी? लोकसभा चुनाव के लिए हम अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं। हमारा संगठन सेक्टर स्तर पर खड़ा हो, बूथ स्तर पर खड़ा हो, हमारा जो भाईचारा संगठन है वो बन के तैयार हो, हमारी विंग मजबूत हो, इसके लिए हम लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमें 24 में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।